उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित उन्नाव कांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बेहद चर्चा में रही इस रेप कांड में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर मुख्य आरोपी हैं, जिसने पीड़िता को नौकरी का लालच देकर जबरन जघन्य अपराध किया था और फिर उसके बाद पीड़िता के पिता को जेल में मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं इस केस के एकमात्र इकलौते गवाह को अब मार दिया गया है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को उन्नाव रेप कांड में एक अहम गवाह की संदिग्ध मौत और उसके बाद जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम कराए उसे दफन कर देने को साजिश करार दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से गवाह को मारा गया है और इसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, इसके पीछे किसी की गहरी साजिश होगी। इस पूरे मामले को देखें तो इस गवाह की मौत के पीछे हो सकता है कुलदीप सेंगर का ही हाथ, क्योंकि वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि क्या हमारी बेटियों के लिए न्याय का आपका यही तरीका है, मिस्टर 56 इंच। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।